So can we start? Absolutely. Okay. Hello everyone. Good morning and welcome to today's session on curricular and pedagogical structure of new education policy 2020. The education policy has been changed after 34 years and this is a historic moment for us. To discuss on this topic, we have with us our honorable principal sir, Dr. Aminulvi sir. Sir, you have motivated people by being a living example, by sharing your expertise and knowledge. I'm sure the student over here also will be motivated. Over to you, sir. Yeah. Thank you. You are seeing my presentation, everyone? Yes, sir, it is visible. Okay. So, I welcome you all for this session. See, as we are entering into 21st century, so there are drastic changes have been happened due to so many things, especially this COVID-19, you know, in 2019. When once this COVID virus has come into a picture. So a lot of things have been got disturbed and a lot of things have got changed. Now we have to prepare ourselves. हमको अपने आप को फ्यूचर के लिए बनना है बनाना है तो कौन सा ऐसे चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में कौन सा ऐसे चेंजेस आने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में ताकि जो वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है द नीड ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया का जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे फुलफिल कर पाते हैं सी अभी वट एवर द सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग इट इज गिवन बाय द ब्रिटिश जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे इंडिया को उस टाइम पे हमको उन्होंने एक सेट ऑफ बिकॉज अर्लियर वी हैड गुरुकुल वी हैड सो मेनी यू नो आवर कल्चरल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स वेर देयर वेर दे हैव बीन कॉल्ड एज गुरुकुल्स But what these British people, the Britishers, what they have done, British लोगों ने हमको क्या किया कि उनको tax collect करना था तो tax collect करना था तो उन्होंने क्या किया चलो हम एक ऐसे schools, ऐसे colleges, ऐसे ये open कर लेते हैं ताकि हमारे government को हमारे को थोड़ा कुछ पैसा मिलना चालू हो जाएगा वो intention से ये school, college ये सब आ गए Then धीरे धीरे जो गुरुकुल वाला कल्चर था जो हमारे एंशियंट हिंदू कल्चर का जो टीचिंग मेथडोलॉजी था वो सब वैनिश होते गए तो नाउ टू ब्रिंग बैक दैट कल्चरल वैल्यू एंड कल्चरल रिचनेस इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन ड्राफ्टेड एंड इट हैज बीन Like they have taken a feedback of all the stakeholders, जितने भी stakeholders हैं उनसे feedback लेके क्या हम India का education system को world competition में बना सकते हैं या नहीं बना सकते बना सकते हैं तो हमारे अपने system के अंदर क्या क्या changes लेके आना है from nursery to college level, आपका जिंदगी आपका education track, education road जो है वो किस तरह से होना है वो उसके बारे में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया है इट इज गोइंग टू टेल अस द पाथ हाउ वी कैन क्लाइंब एंड हाउ वी कैन बी ए सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट आपको एक सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप चढ़ना पड़ेगा उसके बारे में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डाला गया है और ऐसे नहीं है कि पहले क्या है चार कमरा है आप स्कूल खोल सकते थे ये खोल सकते थे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है खोल सकते थे अब वो नहीं रहने वाला है द वन हु प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन दे आर गोइंग टू सस्टेन द वन हु हैव एनबीए एक्रेडिटेशन दे आर गोइंग टू सस्टेन वन दे हैव नेट एक्रेडिटेशन दे आर गोइंग टू सस्टेन रेस्ट ऑल अदर द कॉलेजेस वन और द अदर डे दे आर गोइंग टू क्लोज डाउन सो बिकॉज द क्वालिटी क्वालिटी इज गोइंग टू डोमिनेट द सिस्टम उस तरह से इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया हुआ है और इट हैज मेड इजी लाइफ फॉर द स्टूडेंट स्टूडेंट को रात भर मगअप करना आंसर लिखना उस तरह के सब्जेक्ट्स वो सब हटाने वाले हैं आपको स्किल एंड प्रैक्टिकल
जितना मैक्सिमम आपको दे सकते हैं, और एक स्किल्ड पर्सन बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए उस तरह से दे आर गोइंग टू फ्रेम दी सिलेबस एंड एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर. सो हाउ इट इज गोइंग टू बी, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेज अस. सी एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. इंडिया में 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस. इन 1948 द कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड दे हैव गिवन अ गाइडलाइंस हाउ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुड बी देयर. देन देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन विच हैज फ्रेम्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर 11th, 12th एंड ऑल द अदर थिंग्स. देन इन 1964 टू 66 they have formed education commission and they have given certain guidelines. The first national education policy in 1968 passed in the parliament, which was called first NEP, national education policy. Then they have done certain amendment in 1976. uske andar jo jo khamiyan the, jo jo drawbacks the, usko nikal ke uske andar amendment leke aaye. Then in 1986, the second national education policy has been drafted and constituted. But in 1992, it has been implemented. It has been implemented successfully. So, again, the 1992 system, what we have implemented, it has lot many drawbacks, lot many problems. बहुत सारे दिक्कतें थी. तो उसको आइडेंटिफाई करके इन 2016 वन कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू फ्रेम 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ टीआरएस सुब्रमण्यन एंड ही सबमिटेड द रिपोर्ट. व्हाट रिफॉर्म्स, व्हाट चेंजेस हमारे एजुकेशन के सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आना है और किस तरह से इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, उसने एक रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट्री कमिटी को. देन दे हैव डिस्कस्ड ऑन दैट. देन दे थॉट लेट अस गो विद द वन मोर न्यू पॉलिसी व्हिच इज बीन ड्राफ्टेड इन 2019 एंड व्हिच इज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन 2020. सो नाउ इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस फिक्स्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Already it has been approved by the cabinet, and in the near future it is going to be approved, taken approval, or it will be established in the parliament in both the houses, lower house and upper house, in Lok Sabha and Rajya Sabha, and it is become a law in the country. Just like that, how GST has come, how demonetization has come, same way the new education policy 2020 is going to be implemented all over the country, and everybody is going to follow the same system of education, and which is written and developed by K. Kasturi Rangan, and he submitted the whole report, this draft of National Education Policy, to the Parliamentary Committee in 31st May 2019. Then Parliamentary Committee has reviewed, and in 2020 the Cabinet has given approval for this new rule. Now coming to what this new rule says about. See, in the new education policy 2020, how they have divided the age of the child, or age of the kid, or age of the, how you are going to graduate, what is the level the kid is going to enter. See, when first 5 years, that is from the age of 3 to 8, it is called foundation stage, means that is the foundation education. There you don't have examination, you don't have any assignment, nothing. Just learn whatever you feel like and learn the subject which you like. Means they are going to leave you very much free there. That means there won't be any examination, there won't be any testing pattern. Means you are going to be promoted till 1 to 2 class, from KG level to 1 to 2 class. There is no exam, just the kid is going to enjoy the education. That is called foundation stage. Then
you are, when you reach age of 8 to 11, that is 3 years, another 3 years you are going to learn preparatory stage. Means the kid is going to learn preparatory stage. In that, you are they are going to give more importance for play, discovery, activity based learning, and interactive classroom learning. That means digital classroom, and a kid can interact with the digital board, and whatever he feels like he can learn. Means that is going to be your preparative stage. That is at the age of 8 to 11. That means another 3 years you are going to learn, that is 3 to 5th standard you are in the preparatory stage. Once you qualify that, means there you are not much exams and all, everybody is going to pass in that level, nobody is going to fail in that. Then you are going to enter into middle stage. That is middle stage, age is 11 to 14 years. Another 3 years, generally we call it as middle stage year. That is 6 to 8 standard. 6 to 8 standard, what you are going to learn? You are going to learn all experimental things like practical experiments you are going to see. Because you know, in the school till 12th, I don't think you have done or you have held the test tube and you have added the chemical. No, till college level, you have not done any practical yourself. Just you have seen the demo. You might have done 11th or 12th standard, you might have done one or two experiment only. But now the experimentation starts from the class 6 only. 6 to 8, you are going to learn a lot of practical things along with your theoretical subjects. So that stage, what we call it as middle stage age, that is between 11 to 14 years. That era, what we call it as middle stage era, where you are going to learn lot of experimental things, lot of experimental approaches you are going to learn. There you decide what is going to be your career path. Means at the standard of 8th itself, you will have what is the path I have to choose for my future. In that age only, you are able to decide what, where, what I want to become after my for 18 years or 20 years or 23 years, what I am going to be in the society. You can decide at the age of 14 only. That means that much maturity, education system, this new education policy is going to give you. Next comes is secondary stage. So in the secondary stage, it is 9 to 12 class. That is another 3 years. That is 14 to 18 years. See, till date, we used to give the board exam. Sometimes 7th also was been a board exam, 10th and 12th. These three board exams you supposed to face earlier days. Now the board exam have been removed from the school. Only 12th standard, everybody is appear in the board exam. Only one board exam at the 12th standard. That means at the age of 18, you are going to face board exam. No tension. No tension of failing. No tension of anything. Only sky is the limit, and your brain is going to be so much open. Anything you can grab and you can do lot many thinking. For example, see, in the 9 to 12, you are going to learn multidisciplinary studies. You may be studying arts, you may be studying science, you may be studying everything you can, anything you can study. Then you can choose any field for your growth in the graduation. पहले कैसा है, साइंस किया तो ही फार्मेसी कर सकते हैं, साइंस किया है तो ही डॉक्टरी कर सकते हैं, साइंस किया तो ही नहीं, अभी ऐसा नहीं रहने वाला. कोई भी स्ट्रीम में इजीली एंटर हो सकता है. दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम लाइक हाउ इट इज देयर इन द फॉरेन. फॉरेन आर्ट्स वाला भी मेडिकल कर सकता है, साइंस वाला भी मेडिकल कर सकता है, दूसरा आर्किटेक्चर वाला भी मेडिकल कर सकता है. उसमें कोई बार नहीं है, डिसिप्लिनरी बार नहीं है फॉरेन के अंदर. द सेम काइंड ऑफ सिस्टम इन इंडिया ऑल्सो दे आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर द ग्रेजुएशन. आपके डिग्री के लिए दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द सेम स्ट्रक्चर. आपको भी बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं. बट नाउ यू आर एज अ फार्मेसी ग्रेजुएट, ऑलरेडी यू हैव टेकन ए फार्मेसी एज योर प्रोफेशन. वॉट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस एजुकेशन एंड
if you are aware of this new education policy, you also don't restrict yourself. Okay, मेरे को चार subject पढ़ना है, pass होना है. No, you can have lot many areas. Biotechnology है, molecular biology है, cellular biology है, pathology है, pharmacology है, pharmacovigilance है, clinical pharmacy है, medicinal chemistry है, chemistry है. Means any field you can enter and you can rule in that particular subject. Means you are also as good as multidisciplinary graduate. Medical student जितना पढ़ता है उससे तीन गुना ज्यादा subject आप लोग पढ़ते हो pharmacy में, including medicine knowledge. So you have a most responsible job in the society. आपका बहुत ही responsible job रहेगा society के अंदर. आपका एक गलती पूरा गांव को खत्म कर सकता है. डॉक्टर मिस्टेक करेगा तो एक आदमी को मार सकता है मैक्सिमम. ही कैनॉट किल मोर देन वन पेशेंट. बट इफ यू डू मिस्टेक वाइल मेकिंग द मेडिसिन द एंटायर विलेज कैन गेट डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स यू हैव मोर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देन एनी अदर प्रोफेशन. सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, एक्वायर द नॉलेज, नेवर नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट वेन यू आर studying. So this is what I want to suggest, and this new education policy is going to revamp our education system. See, in the college level, see, earlier what we used to see only Windows, basic Windows. Still in your computer subject what you are studying, PowerPoint, Windows, Windows 99, Windows 2010, Windows 11, only this much, and keyboard, mouse, what is there in the computer parts. But at the class of 6, you are going to, the syllabus is going to be introduced where a kid can learn coding, languages of computer. It may be Java, C language. It's all the things you are going to learn at the age of 6 only. Means the future kids are going to be very genius because they are going to learn all these new things at the age of 14 only. When they enter into a middle stage age, then at the class 6 they start learning all these things. See, here no tough exams and all, but for learning they give lot of room. They are going to give you a lot of room for learning. आपके लिए इतना ज्यादा मौका दे रहे हैं, जो kids आने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे options मिलने वाले, ताकि वो आपका ब्रेन जो है टोटली ओपन हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपका क्रिएटिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है हर एक ह्यूमन का, वो सब खुल जाए और यू कैन बिकम ए गुड एजुकेशनिस्ट. सी व्हाई दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज टू बी ब्रॉट इनटू पिक्चर. यू हैव सीन हाउ मेनी नोबेल लॉरेट्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड? वेरी फ्यू. And those Nobel laureates, they never won by doing research in India. When they were in America, when they were in Canada, when they were in UK, all the Nobel laureates, they got that award because they have done the research at abroad, not in India. Brain is Indian, but they work there and they come out with these awards. When India is going to produce its own Nobel laureates? Till date, having a 130 crore population, we are not able to produce a single Nobel laureate which is originated from India itself. Why? Because lacuna in our system, lacuna in our education system. There is a lot of bureaucracy, corruption, this and all, you know. So many things have made the kind of system where we are not able to get into that level, Nobel laureate winning level. So to achieve that, why don't India can produce, being an 130 crore population country, why can't India cannot produce a scientist who can win the Nobel Prize for India, doing research in India only, not going to abroad? That is the kind of elements they have been added in the new education policy. And you all have the opportunity. You are going to get all these kind of skills in your syllabus. See, why they brought this new education policy? For gross enrollment ratio, to achieve 100% enrollment in the
स्कूल, मीन्स हर एक बच्चे का उनका राइट्स रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेगी कि एजुकेशन लेना है, राइट टू एजुकेशन आरटीई। अर्लियर आरटीई वाज देयर, नाउ दे हैव ब्रॉट विद दिस एनईपी। अंडर दिस व्हाट इज देयर आइडिया, बाय 2030 एवरीवन इज गेटिंग इनटू स्कूल एंड एवरीवन इज गेटिंग एजुकेटेड, एवरी इंडियन सिटीजन इज गोइंग टू एंटर इनटू ए स्कूल एंड दे आर गोइंग टू लर्न। So that is an idea why government has brought this new education policy into picture. See, now class 10 and 12 board examination may to be easier. They say how we are preparing whole year for examination, 3 months only day and night studying. That kind of pressure exam will not be there in near future. It is going to be very easy, just like that how you got due to COVID mass promotion, your results 8 SPI, 9 SPI, 10 SPI you got without writing a single letter. Means these are the kind of system. But see, when you got easy degree, but it is going, you are going to face the future consequences. Don't consider I got my degree with the mass promotion, now I know everything. No, you have to work hard to learn so many things. That means you should be practically and theoretically good enough to serve the society, serve the nation. That will come when you give more time for your study. Exam nahi hai karke padhai chhod di hai to kuch nahi padhenge. Exam rahe ya na rahe, mere ko to padhna hai, mere liye padhna hai, apne aap ko padhna hai, apne aap ko janna hai ki main kaun sa profession mein abhi enter hua hu, mere ko is प्रोफेशन के बारे में हर चीज जानना है, ये हर एक मन में आना है, तब जाके यू आर गोइंग टू कॉम्पीट इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाई दे हैव ब्रॉट दिस रूल, बिकॉज दे वांट टू मेक एवरीवन, एवरी सिटीजन ए एजुकेटेड सिटीजन। सो even for the teachers, they are going to conduct so many teachers training program. So that's why they are going to establish National Council for Teacher Education. Means teachers also are also going to get educated, because they are going to give lot many modules and lot many training, teacher training, so that the future kids, they can prepare for the country. So higher education, you know, very less students goes for the higher education. Now our aim is to increase that into 50%. That means 50% by 2035, 50% of the students of India should get into higher education and get into a graduation. So that is the kind of approach they are going to adopt in the new education policy. See, the present day, what is the current ratio of gross enrollment ratio in the higher education? Only 26.3%. That means 100 में से 26 लोग ही, 27 लोग ही हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, बाकी के 77% लोग वहीं छोड़ रहे हैं, स्कूल हो गया खत्म, नो एजुकेशन। सो दैट हैज टू बी ब्रॉट हायर, सो दैट इंडिया कैन बिकम ए गुड मैन पावर सप्लायर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ह्यूमन रिसोर्स का सप्लायर बन सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए सो मच पॉपुलेटेड कंट्री, व्हाई डोंट वी रूल द वर्ल्ड बाय वर्किंग इन आवर कंट्रोल, लाइक ह्यूमन आर गोइंग टू वर्क फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल एजुकेटेड ऑल स्किल्ड पर्सनल आर गोइंग टू बी सप्लाइड बाय इंडिया, मीन्स यू कैन गो एनी कंट्री एंड यू कैन वर्क, बिकॉज इंडिया हैज अ मोर वैल्यू। दैट वैल्यू एडिशन दे आर गोइंग टू डू विद द दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। See, not only the study and subject and all, now they are going to give you a lot of research opportunities. They are going to make best research opportunities to every student. That's why the IITs, IIM to be set up as a model of best multidisciplinary education of global standard in the country. Means international level ke education institute ko they want to bring in India. That is their main motto behind this new education policy.
then they are going to establish National Research Foundation. A National Research Foundation ke through they are going to do all these kind of education. See, now there are so many bodies which control the education. जैसे AICT है, PCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिजियोथेरेपी काउंसिल ऑफ इंडिया है, देन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है. इज एवरी कोर्स इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर रेगुलेटरी बॉडी. नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग. दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ओनली टू बॉडीज. वन इज कॉल्ड मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, MCI, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, and HECI, Higher Education Commission of India. अभी दो ही controlling body रहेगा. एक one is called HECI, which is controlling all other education except medical education. फिर Medical Council of Commission of India, it is going to control all the medical education. So only two bodies, only two regulatory bodies they are going to constitute. Then उसके अंदर अलग अलग councils रहेंगे. जैसे National Higher Education Regulatory Council, it is going to control the education system in India. Then General Education Council for setting the standards. कौन सा standard हर एक education होना चाहिए. फिर Higher Education Grant Council, funding देने के लिए, research funding देने के लिए they are going to constitute this council. फिर एक्रीडेशन, जैसे हमारा NBA NAC एक्रीडेशन है, वैसे ही दे आर गोइंग टू मेक वन एक्रीडेशन बॉडी दैट इज कॉल्ड नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल. मीन्स हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज को ये एक्रीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जाना जरूरी पड़ेगा. नाउ 15 साल एग्जिस्टेंस के बाद अगर इफ इंस्टीट्यूट डज नॉट अप्लाई फॉर ऑटोनोमस स्टेटस, देन दैट इज इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू बी क्लोज. Affiliation colleges is to be phased out in 15 years. A stage-wise mechanism to be established for granting autonomy to the college. Means हमको autonomous status लेना ही पड़ेगा. That means next year, by next year, we are going to be an autonomous institute. इस साल हम apply कर रहे हैं, already NAC accreditation हो गया है. Now we are going to be an autonomous. Means we are 15 years ahead than any other institute. आप जो college में पढ़ रहे हैं, हम 15 साल आगे के सोच के साथ चल रहे हैं. अभी बाकी लोगों को अभी सोचना चालू किया, कब करेंगे, कब लेके आएंगे, दैट इज ऑल. ऑलरेडी वी गॉट व्हाट एवर इज टू बी गेट आफ्टर 15 ईयर, वी हैव गॉट बिफोर 15 ईयर. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ग्रो, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अवर जर्नी. सो अगेन दिस ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. Again, they are going to make it very interactive sessions. Then there is a national assessment center which is called PARE, has been created to assess the student. Student ka IQ level kya hai, ye kya hai, wo kaun sa level of training usko jarurat hai, that all will be tested under this assessment center. It also gave the foreign university to set up campuses in India. Dekho. कल जाके इधर टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी का भी कैंपस आ सकता है. फॉरेन के हर एक कंट्री का यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश, सो दैट कंपटीशन रहेगा, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, तो पीपल विल गो इनटू दैट यूनिवर्सिटीज. इट एम्फसाइजेस सेटिंग जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजंस एंड ग्रुप्स. देन न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टी लिंग्विस्टम. लाइक यू नो फाइले का जो पांचवी तक आपको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ना है, गुजराती है तो गुजराती में ही पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, या कन्नडा में पढ़ना है, या तमिल में पढ़ना है, तेलुगु में पढ़ना है. फर्स्ट 5 ईयर नो इंग्लिश मीडियम. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर गोइंग टू बी क्लोज, और दे विल कीप वन सब्जेक्ट एज इंग्लिश. एक सब्जेक्ट एज अ इंग्लिश दे आर गोइंग टू टीच यू, बट यू हैव टू लर्न इन यूर लोकल लैंग्वेज. आप अपने लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ने वाले हैं. तो this is going to help us in rising 6% of our GDP. अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम 4.6% ऑफ अवर जीडीपी को हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं. वो हमारे ऊपर कितना बर्डन आने वाला है, 6%. अगर ये नया सिस्टम हम अडॉप्ट करने जाएंगे तो
और 2% की एडिशन हमको खर्चा करना पड़ेगा. सो कमिंग टू ओवरव्यू, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज योर एजुकेशन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी 5+ फर्स्ट स्टेज. जो दो स्टेज है वो 5 years की होगी, नेक्स्ट 3 years, 3 years, देन 4 years. दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू बी 5+, 3+, 3+, 4. देन यू आर गोइंग टू लर्न मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक अप्रोचेस, मल्टी लिंग्विज्म, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, 4 year इंटीग्रेटेड गुड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. And you are going to learn so many things. Means बहुत सारे opportunities आपको मिलने वाले हैं. Thank you. I hope you enjoy. And this is the one you are going to enjoy for near future education. Thank you one and all. Now I am open for आपके मन में कोई questions है, कुछ पूछना है, you are open to ask any questions. Students, if you have any question, you can ask now. I'm happy to answer. Then we'll stop here, sir. Yeah. Yes. Thank you, sir, for giving your valuable insights on curricular and pedagogical structure of New Education Policy 2020. Thank you once again, sir. And thank you, students, for joining this session. Thank you.